नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ड्राइंग्स है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि ड्राइंग्स क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स में यहां पर पढ़ते हैं। इनमें से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2018 को हम एक बिजनेस शुरू की जिसमें कैपिटल है 10 लाख। ये मेरा कैपिटल था। ईयर के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2018 को, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम बताए थे कि अगर बिजनेस को हम कैपिटल देते हैं तो बिजनेस हमको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। और मान करके चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस हमको जो प्रोवाइड कर रही है वो 10% प्रोवाइड कर रही है। तो 31 दिसंबर 2018 को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 10 लाख का 10% मिलेगा, जो 1 लाख है। इसके अलावा मान करके चलते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ वो 5 लाख का हुआ। न तो बिजनेस अलाउ करती है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं, न ही हम प्रॉफिट ले सकते हैं। बिजनेस सारे पैसे को क्या करेगी, मेरे कैपिटल में इंक्लूड करते चले जाएगी। अब मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा, 16 लाख हो जाएगा। 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, ये जो मेरा कैपिटल हुआ ये हो गया मेरा 1 जनवरी 2019 को ये कैपिटल हुआ। फिर 2019 के एंड में यानी कि 31 दिसंबर 2019 को फिर बिजनेस इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बोलते हैं, अपने ऑनर को वो प्रोवाइड करती है। अब वो मेरा चूंकि कैपिटल अब 16 लाख हो चुका है तो 16 लाख का वो 10% प्रोवाइड करेगी। पहले 10 लाख था, 10 लाख का 10% प्रोवाइड की, 1 लाख प्रॉफिट हुआ 5 लाख। अब जो मेरा कैपिटल है नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में वो 16 लाख हुआ है। तो अब मेरा कैपिटल ये है, अभी इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो प्रोवाइड करेगी 10%। तो 16 लाख का 10% 1,60,000 होता है। कैलकुलेशन एक बार आपसे फिर से देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि इस ईयर जो प्रॉफिट हुआ 31 दिसंबर 2019 को, इस अकाउंटिंग ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में जो प्रॉफिट हुआ मान करके चलते हैं कि 5,40,000 का प्रॉफिट हुआ, 5,40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब जो मेरा कैपिटल है वो कितना है, अब जो मेरा कैपिटल हो चुका है 23 लाख और ये कैपिटल हो चुका है तो 1 जनवरी 2020 को कैपिटल। एडिशन आप उसको चेक कर लेना, एडिशन में गलती हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं कि हम जो कुछ भी कैपिटल दे रहे हैं बिजनेस को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस हमको नहीं देती है बल्कि अपने मेरे कैपिटल में वो इंक्लूड कर लेती है। प्रॉफिट का भी पैसा बिजनेस हमको नहीं देती है बल्कि मेरे कैपिटल में वो उसको भी इंक्लूड कर लेती है। तो जैसा कि आखिर पॉकेट खर्च के लिए, घर के खर्च के लिए, बहुत सारा मेरा पर्सनल खर्च है, उसके खर्च के लिए बिजनेस एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स का डिफिनेशन, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैश विदड्रॉन और इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैश विदड्रॉन और वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। अगर हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लीजिए अपने पर्सनल यूज के लिए हमको पैसा चाहिए, कितना चाहिए, मान के चलते 5 लाख रुपीज चाहिए पर्सनल यूज के लिए, और 2 लाख का गुड्स भी चाहिए, कैश चाहिए और 2 लाख का हमको गुड्स भी चाहिए जो मेरे घर के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। जो ऑलरेडी यहां पे इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कैश विदड्रॉन और वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। अगर हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल रहे हो या अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहे हो तो इसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन है, द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर मीन्स जो कैपिटल होगा ऑनर का इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द बिजनेस। अब ये जो हम ड्राइंग करेंगे 7 लाख का जो ड्राइंग हो रहा है ये कहीं ना कहीं मेरे कैपिटल को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। यानी कि ड्राइंग का काम क्या होता है कि कैपिटल को वो रिड्यूस, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को रेज करता है। लेकिन जब हम ड्राइंग करेंगे
तो उससे मेरा कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम ड्रॉइंग 7 लाख कर रहे हैं, तो मेरा जो कैपिटल होगा, ड्रॉइंग चूंकि माइनस हो जाएगा तो मेरा जो कैपिटल होगा अब वो घट जाएगा, कितने से घट जाएगा, तो 7 लाख से, और ये मेरा कैपिटल अब कितना हो जाएगा, 16 लाख। तो याद रखना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जहां बिजनेस और ऑनर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, कभी भी ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखेंगे। मेरे बिजनेस मेरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, अगर मान लीजिए फिर भी क्लियर नहीं है तो ऑलरेडी कमेंट कीजिएगा और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।